सुनना, चैनल चेंज कर दे, कुछ और लगा। लेकिन रिमोट तेरे ज्यादा पास पड़ा है, खुद चेंज कर ले। क्यों झूठ बोल रही है? रिमोट तेरे ज्यादा पास है ना, तू ही चेंज करेगी। मत कर, वैसे भी मेरा क्या जाएगा, मुझे तो वैसे भी ये चैनल बहुत पसंद आ रहा है। तू ही बोल रही थी चेंज करने को। अरे इस पे तो बिग बॉस आने वाला है, साथ मिलके देखेंगे। बिग बॉस? ठीक है, अगर तुझे नहीं देखना ना तो चैनल चेंज कर दे। चैनल तो तू ही चेंज करेगी, क्योंकि तूने पहले बोला था कि चैनल चेंज कर। रिमोट तेरे ज्यादा पास है, तू ही चेंज करेगी। दिखाई नहीं दे रहा, तेरे ज्यादा पास है। तू देख ले ध्यान से, तेरे ज्यादा पास है। तेरे ज्यादा पास है, तेरे ज्यादा है, तेरे। अच्छा ठीक है, मेरे पास इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है। क्या? ये देख इंची टेप, इससे मेजर करते हैं रिमोट किसके ज्यादा पास है। जिसके पास होगा वो चेंज करेगा चैनल। अब मेरा देखते हैं। तू चीटिंग करेगी। इस टाइम कौन होगा? तूने क्या मुझे महाभारत का संजय समझ के रखा है, जो यहाँ बैठे बैठे तेरे को सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगी। खुद जाके देख ले। अबे यार तू जाकर देखना। मैं मेजर कर रही हूँ ना, तू भी तो देख सकती है। तू चीटिंग करेगी, तू गेट खोल जाके। पड़ी रह तू यहाँ, काम चोर कहीं की, मैं ही देख लूंगी। अरे आ रही हूँ, थोड़ा तो सबर करो। कोई भी नहीं है, कमाल है ये मोहल्ले के बच्चे, घंटी बजा के भाग जाते हैं। कौन था? पता नहीं, शायद पड़ोस के बच्चे होंगे, बेल बजा के भाग गए। इस टाइम पे हो सकता है ओवर टाइम कर रहे हो। ए बकवास बंद करो तुम दोनों। कौन हो तुम और हमारे घर पे क्या कर रहे हो? यम है हम। हम कैसे मान ले कि तुम यम हो? हमने तो कभी तुम्हें टेस्ट भी नहीं किया। अबे हम हैं यम। ए चलो चलो, एक्टिव पैसिव हमें भी आते हैं। यम है हम हैं यम। अरे पापियों, मैं हूँ यमराज। अच्छा तो यमराज है तो हम यशराज है। आजा रिमिक्स बनाते हैं। अरे चुप, तुम्हारी कोई आखिरी विश हो तो बताओ। सुना रिंकी, ये हमारी जान ले लेगा, लेकिन जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं। ए, एक्टिव पैसिव में गाना गाते हो? आज तुम्हारे पापा का घड़ा भर चुका है। अच्छा किया जो तुमने हमारा घड़ा भर दिया, वरना हमारे घर में तो दो दिन से पानी ही नहीं था। ये स्वीटी ने मोटर जो नहीं चलाई थी। मैडम तेरी टर्न थी, तेरी थी, तेरी। अरे चुप, तुम्हारी कोई आखिरी विश हो तो बताओ। हाँ, हम आखिरी बार लूडो खेलना चाहते हैं तुम्हारे साथ। अगर तुमने हमें उसमें हरा दिया तो हम तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर नहीं हरा पाए तो तुम हमारे घर पे रह के घर के सारे काम करोगे। बोलो मंजूर है? बेटा यम है हम, मंजूर है। और हाँ, अगर गुस्से में जिसने भी लूडो पलटा वो हार जाएगा। मंजूर। लाल मैं लूंगा। वाह वाह, जान भी यही लेंगे और लाल भी यही लेंगे। हम नहीं खेल रहे, तुम ही खेल लो, वैसे भी हमें जाना नहीं तुम्हारे साथ। लाल मैं लूंगी। नहीं, पिछली बार भी तूने ही ली थी, इस बार लाल मैं लूंगी। मैं लूंगी, मैं लूंगी, मैं लूंगी। मैंने कहा ना मैं लूंगी। अच्छा सुन, लाल वाली गीटी ना इन्हें दे देते हैं, वैसे भी कौन सा ही जीतने वाले हैं। हाँ हाँ ठीक है, मगर लाल की फर्स्ट चांस होती है। ये कब हुआ? हमारी तरफ ऐसा ही होता है। ओ यमराज जी, अगर अर्थ पे रहना ना तो अर्थ के रूल के हिसाब से खेलना पड़ेगा, और ये हमारा घर है तो हमारे रूल के हिसाब से। और हाँ, जो फर्स्ट चांस चलता है ना उसको सबके लिए मैगी बना के लानी पड़ती है। मैगी? हाँ, अगर आपको पहली चांस लेनी है तो मैगी तो बनानी पड़ेगी। रेड गोटी मिल गई है, अब फर्स्ट चांस भी ले लेता हूँ, सबसे पहले खुल जाएगी तो जीत भी जाऊंगा। ठीक है ठीक है, मैं बना के लाता हूँ।
ए, तू नहीं, हम हैं हम। बढ़िया यम्मी। अरे इसका मतलब है मैगी टेस्टी थी। अब गेम स्टार्ट करें। ओ यस, मेरा एक आया। अब मेरी गोटी खुल जाएगी। एक से गोटी कब से खुलने लगी? हाँ अब बोलोगे हमारे यहाँ एक से ही खुलती है। अरे कसम से गाइस, ट्रस्ट मी, हमारे यहाँ छह और एक से ही खुलती है। माय अर्थ माय रूल्स, माय फ्लैट माय रूल्स। तुम लोग ही बता दो ना फिर अपने रूल्स। हमारे यहाँ छह से ही खाता खुलता है और अगर किसी को एक से खोलना होता है तो उसे घर का झाड़ू पोछा करना पड़ता है। हैं? झाड़ू पोछा? रहने दे बहन, ये नूब है, इसके बस का कुछ नहीं है। यमराज जी आप सच्ची सच्ची बताओ, पबजी में भी बोट से मरते हो ना? अरे इसमें पबजी कहाँ से आ गया। ठीक है मैं एक बार फिर से चल देता हूँ, क्या पता छह आ जाए। ये छह आ गया। इतना क्यों खुश हो रहे हो? छह आया ना तो यमराज जी बोर्ड के बाहर गिरी है ना, दोबारा से चलो, ये नहीं माना जाएगा। यस छह आ गया। अब देखो बेटा कैसे लेकर जाता हूँ तुम दोनों की जाने। अरे छह आया तो दोबारा बाजी तो चल लो यमराज जी। हाँ हाँ यस, एक और छह। दो जाने लेनी है ना इसलिए एक और बार छह आ गया। बेटा तुम दोनों रेडी हो जाओ। अरे अब छह की चांस तो ले लो। यस छह छह। तीन छह आ गए, खत्म आपके चांस। लाओ डाइस हमें दे दो। दीदी जी एक चांस और दे दो ना प्लीज। नहीं नहीं लाओ डाइस दो, अब हमारी बारी है। प्लीज घर आए मेहमान के साथ ऐसे कौन करता है। चल अच्छा दे देते हैं, नूब है बेचारा। यार ये तो एक आ गया। एक काम करता हूँ, कपड़े झाड़ू पोछा कर देता हूँ, कम से कम गोटी तो खुलेगी। लाओ जी अब एक आ गया, अब हमारी बारी है। कहाँ है झाड़ू पोछा? वहाँ। ठीक है। फाइनली अब मेरी गोटी खुल गई है, अब आऊंगा तुम दोनों को। अब आएगा ना मजा। काट दे बहन जल्दी कर जल्दी। अरे प्लीज दीदी एक गोटी बड़ी मुश्किल से फाइनल तक आई है। ठीक है लेकिन हमारी एक शर्त है। ठीक है कोई नहीं पहन लूंगा। अरे शर्त नहीं, शर्त है शर्त, कंडीशन। ओ अच्छा बताओ। अगर आपको अपनी गोटी कटने से बचानी है तो जाके सारे कपड़े धो दो, हम आपकी गोटी नहीं काटेंगे। अब ये कौन सा नया रूल है, ऐसा तो कहीं नहीं होता। ये रूल नहीं है, ये लाइफ लाइन है, लेनी है तो लो वरना आपकी एक गीटी भी कट जाएगी और फिर से छह भी नहीं आएगा, और एक आएगा तो आपको झाड़ू पोछा लगाना पड़ेगा फिर से। नहीं नहीं मैं धो दूंगा कपड़े, मैं सब कुछ कर दूंगा, मगर आज ये गेम मैं जीत कर ही जाऊंगा। मैं यहाँ तुम दोनों की जान लेने आया था, मगर तुम दोनों ने मेरे से काम करवा करवा के मेरी ही जान ले ली। देखो यमराज जी अगर आपको हम पे ट्रस्ट नहीं है ना तो आप हमें पहले ही बता दो। एक काम करो हार मान लो अपनी। अरे तुम दोनों ऐसे नाराज क्यों हो रहे हो,
भाई की बात का कोई बुरा मानता है क्या? हाँ तो भाई बहन की ना जान भी नहीं लेते। अरे तुम दोनों ना पर्सनल और प्रोफेशन मिक्स मत करो। चलो ना गेम खेलते हैं। और ये मेरी लास्ट गोटी अंदर, अब एक आ जाएगा और मैं ये गेम जीत जाऊंगा। बहन मेरी तो 3 गोटी बची हुई है, मुझे तो लग रहा है मैं मरने वाली हूँ। बहन मेरी भी तो 2 गोटी बची हुई है। यम को चैलेंज करते हैं। अबे यार ये क्यों नहीं आ रहा है? अब तो तुम दोनों की लास्ट गोटी बची है। बता दे क्या? नहीं नहीं ये वैसे भी नहीं जीतने वाला। क्या बता दे क्या? एक्चुअली ना हमारे घर का एक रूल है, लास्ट गोटी पे 1 लाने वाले को हमारे 1 साल के सारे बिल भरने पड़ते हैं। ए अब ना ज्यादा हो रहा है, समझे ना? ठीक है फिर मत मानो, चल दो अपनी चाल, 1 तो वैसे भी नहीं आने वाला। अबे यार जब स्टार्टिंग में 6 चाहिए था तो 1 आ रहा था, अब 1 चाहिए तो 6 आ रहा है। एक काम करो एक और बार चल लो। चलो एक और ट्राई कर लो। अच्छा एक काम करो, लाओ डाइस हमें दे दो, हम ही जीत लेते हैं। नहीं नहीं तुम लोग नहीं जीत सकते। अगर आज इन लोगों को लेकर नहीं गया तो चित्रगुप्त को क्या जवाब दूंगा? इससे अच्छा इनके 1 साल का बिल भर देता हूँ। कौन सा इनको यहाँ रहना है, गधे हैं दोनों। क्या हो गया, हार डिक्लेयर कर रहे हो क्या? नहीं नहीं बताओ कितने का बिल है, मैं यम पे से ट्रांसफर करता हूँ। इतना सारा? लाओ तुम डाइस दे दो। नहीं 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 मैं करता हूँ। हो गया, लाओ डाइस दो। ओ यस 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 फाइनली 1 आ गया और मैं ये जीत गया। अरे कहाँ जीते हो, अभी 1 और 1 लाना है। लेकिन मेरी गोटी तो यहाँ थी, यहाँ कैसे आई? आपकी गोटी यही थी, आप झूठ बोल रहे हो, अब आप चीटिंग कर रहे हो। मुझे खेलना ही नहीं है तुम दोनों के साथ, तब से मेरे से काम करवाए जा रहे हो, कभी मैगी बनवा रहे हो, झाड़ू पोछा करवा रहे हो, बिल पे करवा रहे हो और ऊपर से चीटिंग कर रहे हो। आज मैं तुम दोनों को लेकर ही जाऊंगा। आप गेम तो जीत गए लेकिन शर्त तो हार गए ना। कैसे, मेरा तो 1 आया और मैं जीता ना? लेकिन उसका फैसला होता उससे पहले तो आपने गेम बोर्ड ही पलट दिया। नहीं यमराज जी बाय। चीटिंग करते हो तुम दोनों। अरे जाओ ना, पेट भर गया, बिल भर गया, झाड़ू पोछा हो गया और कपड़े भी धुल गए। बड़ा आया हमारी जान लेने वाला। यार ये माइक्रोचिप डाइस वाला कितना सही चीज है ना, बस 1 गेम और हमारे सारे काम हो गए। अगर ऐसे ही हर वीक कोई ना कोई नया बकरा आ जाए तो हमें तो बेड से हिलना ही नहीं पड़ेगा। ये डाइस लेना हमारा सबसे बेस्ट डिसीजन था, जब चाहो फोन से नंबर चेंज कर दो डाइस का। यार एक काम तो रह गया। क्या? टीवी का चैनल चेंज कराना। वो तो तू करेगी। तू करेगी, तू करेगी, तू करेगी। मैंने बोला ना तू करेगी। मैं नहीं करूंगी। मैं भी नहीं करूंगी। मिल गया बकरा। तो गाइस अगर आप लोग इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हो, ये देखना चाहते हो कि अब हम किसको बकरा बनाएंगे, तो कमेंट करके हमें जरूर बताना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। बाय।